गुड इवनिंग। भारत में जो दर्रे स्थित है उनके बारे में बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने की है और थोड़े से ही दर्रे बचे हैं जो हम लोगों को लेना है। इसके पहले सिक्किम के कुछ दर्रों की चर्चा हमने की है, हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों की चर्चा हमने की है, जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों की चर्चा हमने की है और कौन कौन से दर्रे कौन कौन से चीज़ों को जोड़ते हैं, किस दर्रे का क्या महत्व है, ये भी हम लोगों ने देखा है। आज जो दक्षिण साइड के जो दर्रे हैं वो दर्रे हमारे देखने के रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। हमें सिर्फ चार दर्रों का अभ्यास करना है इस एरिया में, प्रायद्वीपीय भारत है ये, तो यहाँ पे हम लोगों को महाराष्ट्र में सिर्फ दो दर्रों के बारे में जानना है। एक है थालघाट दर्रा और एक है घोरघाट दर्रा। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा और दूसरा है घोरघाट दर्रा। महाराष्ट्र में हम लोगों को ये दो दर्रे याद रखना है और दो दर्रों की हमें इस एरिया में पढ़ाई करनी है। वो दर्रे प्रेजेंट है केरल में, केरल में भी दो दर्रे हैं, उनकी हमें पढ़ाई करना है। वो दो दर्रे हैं, एक है पालघाट दर्रा और एक है शेखोट्टा दर्रा। इतने दर्रे अगर हम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने नियर अबाउट 4 से 5 सेशन हम लोगों ने लिए होंगे, जिसके बारे में नियर अबाउट 4 से 5 सेशन हमने लिए होंगे नियर अबाउट। इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो दर्रे हैं हम लोगों ने देखे हैं उन दर्रों का इम्पोर्टेंस क्या है, और आज सबसे फाइनल हमारा जो ये लास्ट सेशन है दर्रों के बारे में, इनमें हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के दो दर्रे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और केरल के दो दर्रे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थालघाट और घोरघाट ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं और पालघाट और शेखोट्टा दर्रा ये केरल के दर्रे हैं। तो इन दर्रों के बाद में हम लोगों को देखना है कि आजकल अभी तक हमने जो भारत के दर्रे देखे हैं उनमें थोड़ा सा हम उसका जो रिव्यू है वो लेने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हमने देखा है, कौन सा दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। हिमाचल में शिप्किला नाम का एक दर्रा है, इस पर प्रश्न बने हुए हैं इसलिए मैं ये सब ले रही हूँ। शिप्किला, ये ला का मतलब ही दर्रा होता है, ये हमें पता है। मणिपुर में जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? मणिपुर में जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है बिजू दर्रा। मणिपुर में जो दर्रा प्रेजेंट है, एक जोजिला नाम का दर्रा है। वो ऐसे जोजिला नाम का जो दर्रा है वो दो महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ता है, और वो दो महत्वपूर्ण जगह कौन सी है? श्रीनगर व लेह, यह दो जगहों को यह जोजिला दर्रा जोड़ता है। नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में प्रेजेंट है। नाथुला दर्रा कहाँ प्रेजेंट है? सिक्किम में। इस ला का मतलब ही मैंने बताया आपको कि ला का मतलब ही दर्रा होता है। और जब भी हम कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, तो हमें लिपुलेख दर्रे से होकर जाना पड़ता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने इसके पहले सेशंस में दर्रों के बारे में चर्चा की है। तो आज यहाँ पर हमारे जो दर्रे हैं वो दर्रे नियर अबाउट भारत के दर्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, क्योंकि वैसे तो चीज़ें बहुत होती हैं लेकिन जो चीज़ें अपने आप में महत्व रखती हैं उसके बारे में हम लोग मोस्टली पढ़ाई करते हैं। तो इन दर्रों के बारे में बहुत बार प्रश्न भी बन चुके हैं और इन दर्रों का अपना कुछ इम्पोर्टेंस भी है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से हमारा जो ज्योग्राफी का नॉलेज है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।